हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो लेक्चर रहेगा, जिससे सेकंड लेक्चर रहेगा, इससे पहले मैंने एक पहले अपलोड किया था वीडियो, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेक्चर सेकेंड में आज हमारा जो सब टॉपिक रहेगा ये रहेगा मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ज्योग्राफिकल सोब्रीक्यूट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, विच कंट्री इज पॉपुलरली नोन एज सनराइज कंट्री। सनराइज कंट्री को किसको बोला जाता है? जापान, चाइना, फ्रांस या इंडिया। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जापान। ठीक है, तो जापान जो है पॉपुलरली जानी जाती है सनराइज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। कौन सा प्लेस है इंडिया का जिसको जाना जाता है, जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? खज्जर, मसूरी, देहरादून, कश्मीर। सो कमेंट्स साथ साथ में करते जाइएगा। राइट आंसर रहेगा आपका जहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि खज्जर। ठीक है, तो ये खज्जर कहां पे है? चंबा, हिमाचल प्रदेश। ये जाना जाता है एरिया दैट इज मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। कौन सी कंट्री जानी जाती है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से? भूटान, जापान, सीरिया, अफगानिस्तान। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर आपका ए रहेगा जहां पे, दैट इज भूटान। भूटान इसका राइट आंसर है। विच कंट्री इज नोन एज गार्डन ऑफ लेक्स। गार्डन ऑफ लेक्स से कौन सी कंट्री जो है जानी जाती है? फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है या यूएसए। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन जहां पे ए, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड इज नोन एज द गार्डन ऑफ लेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन गिवन द नेम ऑफ मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्ट इंडिया। किस कंट्री को नेम दिया गया है मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट इंडिया? श्रीलंका, मालदीव, भूटान या चाइना। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका रहेगा जहां पर ऑप्शन ए, श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका कहां पर है? बिल्कुल साउथ में आप देखोगे तो ये श्रीलंका है। इंडिया और पाक में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं पाक स्टेट। इंडिया और सॉरी श्रीलंका के बीच जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं पाक स्टेट। ठीक है, एक वाटर बॉडीज बाउंड्री है वहां पे, एक एक्चुअल लैंड बाउंड्री नहीं है। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सिटीज। कौन सी कंट्री जो है जानी जाती है सिटी ऑफ सिटीज के नाम से? वेनिस, केपटाउन, कैलिफोर्निया, एडिलेड। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका जहां पे? ऑप्शन जहां पे ए रहेगा, दैट इज वेनिस। ठीक है, तो जहां पे ये कहां पे है ये सिटी आपको देखने को मिलेगी इटली के अंदर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन इज रेफर टू एज जियांट ऑफ अफ्रीका। कौन सी कंट्री जानी जाती है जहां विच नेशन इज रेफर टू एज जियांट ऑफ अफ्रीका? नाइजीरिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, अंगोला। सो राइट आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया इसका राइट आंसर है। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट जाना जाता है डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से? अफ्रीका है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज एम्पायर सिटी या सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। कौन सी सिटी जो जानी जाती है एम्पायर सिटी के नाम से या सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से? न्यूयॉर्क, लॉस एंजलस, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। तो ये सारी की सारी जो सिटीज में आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। गोल्डन पगोड़ा के नाम से कौन सी कंट्री जो है जानी जाती है लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा? म्यांमार, मालदीव्स, भूटान, जापान। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार इसका राइट आंसर है, इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। म्यांमार, बर्मा। ठीक है, विच कंट्री इज नोन एज शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है? क्यूबा है, बेल्जियम है, स्पेन है या न्यूजीलैंड है। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज क्यूबा। विच कंट्री इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है? मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नॉर्वे। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका यहां पे रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मैक्सिको। मैक्सिको इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा।
लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा के बारे में हमने डिस्कस किया, आंसर आपका म्यांमार है, जिसको हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जापान, भूटान, इंडिया या नेपाल। सो राइट आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, दैट इज भूटान, भूटान इसका राइट आंसर है, इज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ कैनाल के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ कैनाल्स, नीदरलैंड सॉरी ठीक है, जापान, कोरिया या इटली। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज नीदरलैंड। जहां पे देख सकते हैं अगर आप लैंड ऑफ टूलिप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लैंड ऑफ टूलिप्स भी नीदरलैंड्स को बोला जाता है, लैंड ऑफ विंडमिल्स भी नीदरलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है, ठीक है, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ फ्लावर्स, केप टाउन, वाशिंगटन डीसी, वेनिस या एडिलेड। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, केप टाउन। केप टाउन जो सिटी है जानी जाती है सिटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से, तो केप टाउन है कहां पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स जहां पे पांच रिवर इकट्ठी होती है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर जहां पे रहेगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि इंडिया, इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। अब जो जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे उसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे, ऐसे स्लाइड में करेंगे। लैंड ऑफ फाइव सीज रिवर्स के बारे में आपने जान लिया, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स इंडिया को जाना जाता है, लैंड ऑफ फाइव सीज के ऊपर आता है तो आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट सिटी किसको बोला जाता है, व्हाइट सिटी बोला जाता है बेलग्रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग सिटी किसको बोला जाता है, वेनिस को, वेनिस इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन इन द डेजर्ट किसको बोला जाता है, इथोपिया, इथोपिया को बोला जाता है गार्डन इन द डेजर्ट। एम्पायर सिटी बोला जाता है न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये बोला जाता है नॉर्वे को। विंडी सिटी बोला जाता है शिकागो को। गेटवे ऑफ यूरोप इसको बोला जाता है रोटरडैम। आइलैंड कॉन्टिनेंट को बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। सिटी ऑफ अरेबियन नाइट्स बगदाद को बोला जाता है, सिटी ऑफ अरेबियन नाइट बगदाद को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जितने भी थे ये सारे आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने ज्योग्राफी का जो लेक्चर सेकंड है उसको कंप्लीट कर दिया है, मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ज्योग्राफिकल सबरीग्यूट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज की जो सीरीज रहेगी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड है तो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।